नमस्कार दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर लेकर आ चुके हैं राजस्थान के डींग जिले का नक्शा क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो पहले हमने बना दिए हैं, जैसे कि सांचौर जिले का, बालोतरा, ब्यावर, केकड़ी, साहपुरा, आपका डीडवाना जिला, दूदू, खेरतला, इन सबका अगर आपको मैप देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये सबसे पहले देखिए डिमांड किसकी थी सबसे ज़्यादा, तो संजय सिंह परमार की डिमांड थी, काफ़ी लोगों की थी, लेकिन ये स्पेशल है। ठीक है, अगर आप भी अपने जिले का मानचित्र चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करते हो तो आपका नाम भी यहाँ पर आ सकता है अगले वीडियो में। डींग जिले का ये मानचित्र है वो हम आपको बताएंगे, तो आप सबसे पहले अपना मानचित्र देख लीजिए और अब शुरू करते हैं आपको राजस्थान का जो प्रेजेंट में मैप है उससे समझने की कोशिश। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ ये एक्सपेक्टेड है, अभी सीमा का निर्धारण चल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट की राय के अनुसार क्या सीमा रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये रहा आपका डींग जिला। ठीक है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले बात करें डींग जिले में तो कहाँ से सीमा लगनी शुरू होगी, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो लास्ट गांव है यहाँ से सिनसिनी, ठीक है, यहाँ पर का आपकी जो सीमा है वो डींग लगेगी। इससे नीचे जो कुम्हेर क्षेत्र है, ठीक है, वो भरतपुर में ही रहेगा। और यहाँ से देखिए आपका पानहोरी, यहाँ से वहज, वहज से होते हुए कामा जो तहसील है, यहाँ से आपका जुरहा और यहाँ पर आपकी हरियाणा बॉर्डर लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर यूपी बॉर्डर लगेगी। ठीक है, तो दो बॉर्डर आपको यहाँ पर लग रही है। और यहाँ से देखिए आप, फिर आपका यहाँ से अगला गांव पहरी, इससे यहाँ पर रहता है नौगांव। यहाँ पर ये जो नौगांव आपको दिख रहा है ये तो या तो खेरतल में जाएगा या फिर डींग में आएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक में आ सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ है जो यहाँ पर अलवर में ही रहेगा, इससे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ से फिर नीचे थून नगर जो तहसील है और थून, और यहाँ से ये मैप आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसे समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपका दिल्ली रहेगा, हरियाणा बॉर्डर लगेगी, यहाँ पर आपकी यूपी बॉर्डर लगेगी। ठीक है, नीचे आपका भरतपुर जिला रहेगा और आपका साइड में अलवर जिला रहेगा। ठीक है, और खेरतल लगेगा अगर नौगांव अगर शामिल हो जाता है किसी भी एक में, अगर ये अलवर में ही रहा तो आपका शामिल नहीं होगा, सीमा नहीं लगेगी खेरतल के साथ। ठीक है, ये डींग जिला है, यहाँ पर नगर तहसील, देखिए तहसील कितनी रहेगी, एक तो नगर है, पंचायत समिति, पहरी है और कामा है। ठीक है, इसके अलावा एक और नई बन सकती है। ठीक है, गाँव देख लीजिए, थून, पानहोरी, वहज, सीकरी पट्टी, आपका मुसेपुर और जुरहरा। ठीक है, और ये रहा आपका मैप। मैप आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस जिले में चाहिए कमेंट कीजिए।